उत्पत्ति अध्याय 8, उत्पत्ति अध्याय 8। और परमेश्वर ने नूह की ओर जितने बनल पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उसमें से जो वर्षा होती थी वो भी थम गई, और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। सातवें महीने के 70वें दिन को जहाज आरारात नाम पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ियों की चोटियां दिखलाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतर को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौटकर न आई। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला, क्या पक्षी क्या पशु क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है उन सबको अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आए, और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जीवते जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और पतन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे।